वैसे आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा बीमारी चल रही है कबूतरों की आँखों को लेते हुए। कबूतर के आँख में पानी आना, कीचड़ आना, सफ़ेद सफ़ेद वो छाड़ जम जाना, और कबूतर के मुंह में भी छाड़ जम जाती है, जिससे कि ये देखने में आता है कि कबूतर कुछ ही दिनों में वो फिर वो पूरी तरीके से बीमारी में तब्दील होके जाया हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह भाई आप ये वीडियो बारीकी से देखें, इसमें मैं आपको एक अलग टॉनिक, एक अलग तरीका बताऊँगा, एक कबूतर के हिसाब से बताऊंगा और पूरे कबूतर के हिसाब से बताऊंगा। अब एक कबूतर में कभी बीमारी है तो आपका कबूतर वो सही हो जाएगा फटाफट, और ज़्यादा कबूतर में कभी वायरस बीमारी फैल रही है तो मैं आपको दो टॉनिक बताने वाला हूँ। दो टॉनिक अभी आपने इस्तेमाल कर लिए, कुछ ही दिनों में आपके पूरे दड़बे में वायरस जो आ चुका है, जो बीमारी आ चुकी है भाई, वो सही हो जाएंगी। पहले नंबर पर आप ये ड्रॉप देखो, आपको मार्केट से ये लेके आना, जेंटामाइसिन ड्रॉप, ये ड्रॉप आप लेके आ जाओ, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। ये हर परिंदे वाले भाई इस्तेमाल करते हैं और जितने भाई ने भी इस्तेमाल करा है सबको रिजल्ट मिला है। आप ये ड्रॉप लेके आ जाओ, हर एक कबूतर को एक बूंद सुबह, एक बूंद आपको शाम में डालना है। ये कंटिन्यू आपको करना है 3 दिन तक के, कभी एक कबूतर में, दो कबूतर में ये कभी प्रॉब्लम है, बिल्कुल तरीके से भाई वो कबूतर आपका सही हो जाएगा। अब आती है भाई दूसरे नंबर पे, कभी आपके कबूतर में ज़्यादा कबूतर है आपके पास और ज़्यादा वायरस हो चुका है, आँख पूरी बंद हो चुकी है, आँख पूरी भाई सूज गई है, तो आप ये फोटो देखो, ये आपको मेडिकल स्टोर से ये लेके आना भाई, बोरिक एसिड पाउडर, ठीक है, ये आपको पाउडर लेके आना है। और आपको आपको लेना है 1 कप पानी, 1 कप पानी में इसका 1 चम्मच, जो चम्मच से हम नाश्ता करते हैं भाई, वो चम्मच भर के आप पानी में डाल देना है और अच्छे से भाई इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद में आपको हर एक कबूतर को पकड़ना है और भाई कॉटन की रुई से आँख को साफ करना है, दो तरफ की जो आँख जो सूज गई है, जो बिल्कुल बंद हो गई है, जो आँख नहीं खुल रही कबूतर की, उसको ये काम करना है, ये पाउडर वाला काम। और ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपके कबूतर में, तो बस ये ड्रॉप इस्तेमाल करो, एक एक बूंद सुबह शाम कंटिन्यू 3 दिन देना, कब तक तो सही हो जाएगा। नहीं तो भाई देखो, जब वायरस आता है, जब बीमारी आती है ना, तो एक कबूतर से दूसरे कबूतर में, तीसरे कबूतर में, चौथे कबूतर में फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी मेरे पास ये जो इस ये बीमारी को लेते हुए ज़्यादा कमेंट आ रही थी, तो ये ज़्यादा कमेंट को देखते भाई मैंने वीडियो बनाया हूँ। ये वीडियो में अलग मेडिसिन, एक अलग दवा मैंने आपको बताया हूँ, हालांकि इसके ऊपर वीडियो बहुत सारी है, फिर भी आप भाई कमेंट आ रही तो मैं चलो ठीक है बना डालो यार। इस बार भाई मैंने आपको दोनों टॉनिक, दोनों दवाई अलग ही बताया हूँ मैंने, ड्रॉप का रिजल्ट भी अच्छा है भाई, पाउडर का रिजल्ट भी अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा हूँ जब कबूतर की आँख भाई पूरी सूज जाती है, आँख पूरी बंद हो जाती है, तो मेडिसिन वहाँ काम नहीं करेंगी, वहाँ ड्रॉप काम नहीं करेगा, काम क्या करेगा भाई, ये पाउडर। बस दो से दिन में 2 से 3 बार आप कॉटन की रुई से साफ करोगे ना, कबूतर पूरी आँख खोल लेगा, ऐसे करके आँख खोल लेगा भाई कबूतर सही हो जाएगा आपका, इतना भरोसा आप रखिए, बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट है। वीडियो को लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, कंजूसी नहीं करें भाई, ठीक है। और मिलते हैं भाई और कुछ नए वीडियो में, जब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।